सो गाइज वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुपरस्टार। अब आप ऑलमोस्ट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुपरस्टार बन चुके हो और इस लास्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके, कुछ मैग्नेटिक अप्रोचेस जो मुझे आगे शेयर करनी है, जो मैं अभी तक शेयर करता आया हूँ, जो मैं अभी तक यूज़ करता आया हूँ और जिससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो मैग्नेटिक अप्रोचेस के तरीके मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। एंड प्लस इसके साथ साथ एक ऐसा कटिंग एज, एक ऐसा 10x प्रोडक्टिविटी का हैक वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ एक नहीं, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हैक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट होने वाला है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ये सिर्फ वन टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, आप एक तरीके से अब मेरे डाउनलाइन हो चुके हो, अब हम दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहने वाले हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो एंड जीमेल पे एक्टिव रहना, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी सच में बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँ, राइट। एंड आप लोगों ने पहले इस कोर्स को ऑप्ट किया है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना ही चाहिए। सो आप लोगों को अपनी मेल में एक्टिव रहना है, जीमेल पे एक्टिव रहना है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जीमेल पे ही मिलती रहेगी, जो जो चीज़ें नई नई आती रहेंगी, कोई नया वीडियो, कोई नया तरीका, या फिर आई एम प्लानिंग कि वो जो वेबिनार मास्टरी प्रोग्राम वाला जो रिक्रूटमेंट का तरीका है वो बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूँ एंड उसके अंदर कोई बहुत जल्दी मैं एक वेबिनार रखूँ जिस वेबिनार के अंदर आप भी अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाकर इन्वाइट करके उन्हें उसके बाद क्लोज कर पाऊँ, राइट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग अब तक हम सीख चुके हैं, सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, अब बारी आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कि सामने वाला इंसान कोई ऑब्जेक्शन दे, वो ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकता है। गिनती की अगर मैं आपको बताऊं तो मुश्किल से 8-10 ऑब्जेक्शन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊँ तो वो सिर्फ 3 तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल किया जा सकता है, मेजरली 3-4 तरीके हैं, ज़्यादा तरीके नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडल करने के। सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम ध्यान रखना है क्यों आर्ग्यू नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है तो उससे आर्ग्यू मत करो, क्रॉस में मत करो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो भाई, ये होता है वो होता है। उससे आर्ग्यू अगर आप करने जाओगे ना, वो अपने पॉइंट को और स्ट्रांगली पकड़ के बैठ जाएगा अगर आप आर्ग्यू करने बैठ गए। फिर आर्ग्यूमेंट अगर हो गई तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर ये डिसीजन नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, यहाँ ये डिसीजन होने लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। और अगर सामने वाले इंसान को आपने गलत प्रूफ कर भी दिया तो भी वो इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने वहाँ पर उसकी ईगो को तोड़ दिया, वहाँ पर आपने उससे रिलेशन अपना ख़राब कर लिया जस्ट बाय आर्ग्यूइंग। तो आर्ग्यू नहीं करना है आपको, करना क्या है आपको सामने वाले इंसान से अग्री कर जाना है, कुछ भी बोले उससे अग्री कर जाना है। वो बोले बिजनेस फ्रॉड होता है, हाँ भाई सही में आई अग्री भाई, उसके बाद क्या करना है आपको पता लगेगा, डोंट वरी। पहले अग्री जरूर करना है, पहले आप बोलोगे ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ओके आई एम्पथी, इसे बोलते हैं एम्पथी, सामने वाले इंसान की बात को समझना, क्योंकि उसकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं, उसकी जो सोच है, उसके आसपास के जो लोग हैं उस अकॉर्डिंग वो आपको बता रहा है ये सारी चीज़ें, राइट। तो उससे अग्री कर जाओ इमीडिएटली, ज़्यादा क्रॉस बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे कैसे इस ऑब्जेक्शन को टैकल करना है, किसी भी ऑब्जेक्शन को टैकल करना है आपको पता लगेगा, राइट। एक बारी आस्क फॉर कन्फर्मेशन, आप उससे पूछ सकते हो कि ब्रदर तुमने जो बोला है, जैसे सामने वाले इंसान ने बोला हो कि पापा नहीं मान रहे, तो तुम उससे क्लियर पूछ सकते हो कि भाई देखो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस के अंदर, तो कई बारी होता क्या है काफ़ी सारे लोग सिर्फ ऑब्जेक्शन को डालने के लिए, क्योंकि वो मुझे मना नहीं कर पा रहे होते तो वो ऑब्जेक्शन को डालने के लिए वो ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई पापा मना कर रहे हैं, ताकि बहाना एक तरीके से घर वालों के कंधों पर बंदूक रख के चला देते हैं, राइट, कि पापा का बहाना मार देते हैं। जैसे बचपन में हम करते थे, कोई टूर पे जाना है, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बन रही है, तो जाने का मन हमारा खुद का नहीं है, बट हम बोल देंगे क्या पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया। हो सकता है हमने पापा मम्मी से ढंग से पूछा ही ना हो, जितना फाइट हम अपने ट्रिप में जाने के लिए मम्मी पापा से लड़ते हैं उतना फाइट हमने इसके लिए मारा ही नहीं होगा, राइट, बट ऐसे ही हमने बोल दिया। तो मुझे ये बताना कि ये जो तुमने मुझे बताया है कि पापा नहीं मान रहे, ये जेन्युइनली पापा नहीं मान रहे इस वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है? क्योंकि अगर बहाना है तो तुम मुझे क्लियर कट नहीं बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दूंगा, बट अगर जेन्युइनली पापा मना कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पर अब क्या करोगे, इसकी ऑब्जेक्शन की जगह कोई भी ऑब्जेक्शन लगा दो। यहाँ पर आपने सामने वाले इंसान को एक बार चेक किया कि भाई तू सच में सीरियसली इस ऑब्जेक्शन से ग्रसित है, क्या सच में तुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर एवं ऐठने के लिए हड़काने के लिए बोल रहा है, एवं टालने के लिए बोल रहा है। अब सामने वाला इंसान आपको कन्विंस करेगा और आपको बताएगा कि नहीं भाई सच में भाई असलियत है,
भाई यही रीज़न है, इसी वजह से मेरे पापा मुझे मना कर रहे हैं और इसी वजह से मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं करना चाहता हूँ भाई। मैं तो जेन्युइन, मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा सारी चीज़ें, मैं अब तक यहाँ तक आता ही नहीं अगर मेरा करने का खुद का मन नहीं होता तो। मैं करना चाहता हूँ बट दिक्कत यह है कि पापा नहीं मान रहे। अब यहाँ पर सामने वाले इंसान ने आपको कन्विंस किया कि नहीं भाई मैं सच में करना चाहता हूँ, मैं सच में करना चाहता हूँ। अगला क्या तरीका है हैंडल करने का? फील फेल्ट फाउंड। आप सामने वाले इंसान को बता सकते हो कि भाई तेरे को जो ऐसे पापा ने किया ना, सेम ऐसे ही मेरे को भी पापा ने इनिशियली बहुत मना किया था। मेरे पापा ने तो क्लियर मुझे मना कर दिया था, भाई ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी, करनी नहीं है, ये काम तो रहा ही नहीं है भाई, ये काम थोड़ी तू करेगा, तेरे को इसलिए थोड़ी इतना पढ़ा लिखा रहा हूँ, पागल है क्या? नहीं, पापा ने मुझे ऐसे मना किया था। बट पता है मैंने क्या किया था? मैंने उस टाइम पर मेरे पापा से तरीके से बैठकर बात की थी और मैंने ये पूछा था कि भाई क्या चीज़ एग्जैक्टली आपको काट रही है, क्या चीज़ आपको ख़राब लग रही है। उनके सीधे से ढंग से बात करके, उनसे डिस्कस करके मैंने उन्हें सीधा ये कन्विंस किया था, मैंने उन्हें सीधा ये बोला था कि बॉस आप मुझे 3 महीने दो, 3 महीने के अंदर मैं आपको इतनी इनकम अर्न करके दूंगा, नहीं तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। फील फेल्ट फाउंड। भाई मुझे भी ऐसे लगा था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, पापा ने मेरे साथ ऐसे ही किया था। बट देन फिर मैंने क्या किया वो बताना, जो आप चाहते हो सामने वाला इंसान करे, जो आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान करे वो स्टोरी आप अपनी बता दो कि इस तरीके से मैंने टैकल किया कि भाई पापा ने मुझे मना किया बट मैंने फिर पापा को बिना बताए छोरी छुप करके, मतलब धीरे धीरे करके मैंने ये सोच लिया था कि जब तक मैं कामयाब नहीं होता तब तक मैं इसके बारे में पापा को नहीं बताऊंगा। तो फिर मैंने पैसे कहीं से अरेंज किए, किसी ना किसी तरीके से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया, मैंने मेरे दोस्तों यारों से अरेंज किया एंड फाइनली नाउ अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि अब मैं पापा को बताता हूँ तो पापा को गर्व महसूस होता है। अब पापा रिलेटिव्स के सामने मेरी बात करते हैं कि अरे यार मेरा लड़का इतना कमाता है उतना कमाता है, ये चीज़ होती है। फील फेल्ट फाउंड। पहले ये चीज़ हुआ, फिर मैंने ये फेल्ट किया, अब फाइनली मैं यहाँ पे हूँ। जो चीज़ आप सामने वाले इंसान से करवाना चाहते हो वो कहानी आप अपनी सुना सकते हो, सामने वाला इंसान वो चीज़ करेगा। ये हुआ हमारा पहला तरीका ऑब्जेक्शन को टैकल करने का। किसी भी तरीके के ऑब्जेक्शन को इसी तरीके से टैकल किया जा सकता है। सामने वाला इंसान बोले लीड्स नहीं मिलेंगे क्या, या लीड्स मुझे डर लग रहा है कि लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। भाई मुझे भी ऐसे लगा था लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बट फिर एक्चुअल में हुआ क्या कि मैंने खुद जब लोगों को ज्वाइन करवाने की कोशिश की तो लोग सच में ज्वाइन नहीं हुए। बट जब मैंने मेरे मेंटोर को उनसे कनेक्ट करवाया, मैंने जो हमारे अपलाइन को कनेक्ट करवाया, तो अपलाइन का चेक देखकर और अपलाइन के स्किल्स और नॉलेज को देखकर वो लोग धीरे धीरे करके मेरे साथ ज्वाइन होने शुरू हुए। कुछ लोगों ने मना किया बट इनिशियली 4 लोगों ने मुझे हाँ बोला और चार लोगों के हाँ बोलते ही मेरी ये इनकम धीरे धीरे ग्रो होनी शुरू हो गई। फील फेल्ट फाउंड, राइट। एक और तरीका है, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, सवाल ही जवाब है। सामने वाले इंसान से खुद क्रॉस क्वेश्चन कर लो, खुद उससे सवाल पूछो कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, अच्छा तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर क्या करना चाहिए, अच्छा तुम्हें क्या लगता है इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है, अच्छा मुझे ये बताओ इस प्रॉब्लम को सच में टैकल करना है या तुम अपने दिमाग में गिवअप मार चुके हो। सवाल पूछो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सामने वाला इंसान बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पैसे नहीं है? अच्छा इस चीज़ के पैसे नहीं है यार, मैं मतलब अफोर्ड कर ही नहीं सकता ना, बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकलने का कोई और तरीका है? सवाल पूछ रहे हो आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपने सवाल पूछे हैं यहाँ कि मुझे ये बताओ ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल अभी है क्या लगता है कि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर अगर तुमने ये काम नहीं किया तो क्या कोई और तरीका है जिससे तुम अर्न कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट। अच्छा तो क्या लगता है कि अभी अगले 6 महीने 1 साल के अंदर अगर तुम ये काम नहीं करते हो, मतलब एक नया सोर्स इनकम का बिल्ड नहीं करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होने वाली है, अच्छी होने वाली, इंप्रूव होगी या बदतर हो जाएगी? अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हें सोल्यूशन दूँ? पैसे अगर नहीं है तो किस तरीके से सोल्यूशन दूँ? अब पैसे अगर नहीं है वहाँ पर आप सामने वाले इंसान को पता है सोल्यूशन क्या दे सकते हो? जो हमने HR या किसी इंटर्न को हायर करके करना था ना वो काम अब ये इंसान कर सकता है। अब इनको सिंपली बोलो कि आप लोगों को लाओ, आप उन्हें सिखा दो कि भाई ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, उन लोगों को मतलब उसको सिखा दो कि कैसे गूगल फॉर्म बनाना है, कैसे लोगों को ज्वाइन करवाना है, उसके कॉन्टैक्ट्स में घुस जाओ और उसके लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाओ, बाकायदा उसको बताकर, झूठ बोलकर नहीं, बताकर कि तुम्हारे लोगों को मैं अपने साथ ज्वाइन करवा रहा हूँ, मुझे इसका जो प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट की शेयरिंग मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ भी करूँगा और ये शेयरिंग उठाकर मैं तुम्हारी आईडी पे डाल दूंगा जिससे तुम्हारी बिलिंग हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा टर्नओवर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। अगर सामने वाले इंसान ने थोड़ा सा भी टर्नओवर कंप्लीट किया ना उसके अंदर हौसला आएगा कि भाई इतना कर लिया तो आगे तो मैं कर ही लूँगा। अब उसके पैसे अरेंज हो जाएंगे, जो पैसे उसके पास नहीं थे ना, पता नहीं बहाना था सच्चाई थी जो भी था, बट अब वो पैसे अरेंज कर लेगा क्योंकि अब उसको उम्मीद दिख गई थोड़ा सा। इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ सक्सेस। सामने वाले इंसान को हल्का सा कामयाबी का टेस्ट दे दो ना, वो इंसान आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा। आपका डाउनलाइन कोई नया नया बना उसको थोड़ा सा टेस्ट ऑफ सक्सेस दे दो,
थोड़ा सा टीम में उसको अप्रिशिएट करवा दो, रिकॉग्नाइज करवा दो, थोड़ा सा उसके डाउन में कोई एक इंसान की ज्वाइनिंग या बिलिंग करवा दो, कुछ ऐसा करवा दो, उसके दिमाग में टेस्ट ऑफ सक्सेस रहने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। नाउ अगली स्लाइड के ऊपर मैग्नेटिक अप्रोचेस के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन से मैग्नेटिक अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक अप्रोचेस में आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपको मोटिवेशनल कोट्स की स्पैमिंग नहीं करनी है, मत करना। टिपिकल नेटवर्क मार्केटर मत बनना हर जगह, ठीक है लिमिट में कभी कभी अच्छा लगता है, बट बार बार मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकिंग के मतलब वो सारे कोट्स आप डालो और व्हाट्सएप पे जैसे दिखता है ना कि छोटा 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 करके 100 स्टोरीज, 50 स्टोरीज, 40 स्टोरीज एक साथ डाल दी, नहीं। मैग्नेटिक अप्रोचेस के लिए दिन की 2 से 3 स्टोरीज बहुत है, दिन की 2 से 3, हाँ कंसिस्टेंटली डालो, एक साथ सारी मत डालो, बट दिन की 2 से 3 बहुत है स्टोरीज, राइट। इस तरीके से आप डाल सकते हो। पोस्ट मोर पर्सनलाइज्ड कंटेंट, जो आपका पर्सनलाइज्ड कंटेंट है, आपकी वीडियो है, आपकी पिक्चर है, आपकी पोस्ट है, आपका मीम है, आपसे रिलेटेड, आपकी कुछ उसमें पिक्चर दिख रही है, राइट, आपकी वीडियो है, आपकी रील है, आपने अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर किया है, किसी इंसान ने आपकी टीम के अंदर ही कोई है जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जितना ज़्यादा कंटेंट पर्सनलाइज्ड रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा आप उसको कहीं और से स्क्रीनशॉट लेकर, कहीं और से पिक्चर्स उठा के डालोगे, कहीं और से उठा उठा के ये सारी चीज़ें, किसी और की वीडियोज़ उठा के डाल दी आपने यूट्यूब से, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कहीं और से वीडियोज़ डाल दी, ये अच्छा नहीं रहेगा, ये ब्रांडिंग का तरीका नहीं होता है। ब्रांडिंग बहुत, ये बहुत गलत तरीका है ब्रांडिंग का, राइट। मैग्नेटिक अप्रोचेस के अंदर आपको करना क्या है, पर्सनलाइज्ड कंटेंट डालो, अपना कंटेंट। आप खुद एक कंटेंट, एक छोटी सी वीडियो बना सकते हो कि 10 लोगों का सिलेक्शन करना है मुझे, तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो आप देख सकते हो ये मेरी इतनी इनकम है, एंड अभी अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क विद मी पर्सनली, DM मैसेज मी पर्सनली, आई एम सपोज टू सिलेक्ट ओनली 10 पीपल, सो DM मी क्विक। कुछ ऐसा पर्सनलाइज कंटेंट जब आप खुद सामने आकर बोलोगे ना, देखो लिखने से अच्छा है पिक्चर, पिक्चर से अच्छी है वीडियो। आप इतना बड़ा पैराग्राफ लिखो, लाइनें लिखो, उससे अच्छा एक पिक्चर डाल दो, पोस्ट डाल दो, पोस्टर डाल दो, और पिक्चर से ज़्यादा बढ़िया है वीडियो, तो बेटर है वीडियो प्रेफर करो ना, वीडियो डालो, राइट। स्टोरी पे इस तरीके से आप डाल सकते हो। जनरेट क्यूरियोसिटी थ्रू स्टोरीज एंड पोस्ट। अभी बहुत सारे लीड्स ऐसे आए थे आपके पास जो बिजनेस वाली अप्रोच से नहीं आए थे। देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है, जहाँ पर पहले वो इंसान बिजनेस को लेकर के सीरियस होता है, जैसे गूगल फॉर्म पे अगर किसी ने रजिस्टर किया तो वो डायरेक्ट अप्रोच से आया, ठीक है। बट वहीं पे अगर कोई इंसान किसी और तरीके से जस्ट कॉन्टैक्ट में आ चुका है, बिजनेस को लेकर के कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, बट जस्ट किसी और रीज़न की वजह से कॉन्टैक्ट में आ चुका है, रिलेशन में आ चुका है, मतलब नॉर्मली बातचीत हो चुकी है, जैसे कॉलेज कॉमन कॉलेज का था तो आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया, या किसी से आपने बात किया कि अच्छा यार मेरे छोटा भाई या छोटी बहन इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस तो आपने पिच किया ही नहीं है ना उसको, तो ये होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। अब ये दोनों अलग अलग अप्रोचेज हैं। यहाँ पर जनरेट क्यूरियोसिटी थ्रू स्टोरीज एंड पोस्ट का मतलब डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, इन दोनों तरीके के जो लोग हैं इनको क्यूरियोसिटी जनरेट करवाने के लिए आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट एंड स्टोरीज डालो जो लाइफस्टाइल स्टोरीज हो। कहीं घूमने गए, कुछ खाया, कोई घर में पिज्जा बनाया, आपने होम कुक किया, लॉकडाउन में कुछ काम किया आपने, आपके घर में कुछ काम चल रहा है, आप कुछ करवा रहे हो, आपके अपने पापा के साथ कुछ खेल रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ खेल रहे हो, कजन्स के साथ मजे कर रहे हो, फैमिली में शादी है, कोई वेडिंग है, कुछ भी ऐसा है, क्लिक करो डालो, वीडियो क्लिक करो डालो, वीडियो बनाओ डालो, रील बनाओ डालो, वो सारी चीज़ें कंटेंट डालो। दिस इज़ कॉल्ड स्टोरीज, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट, दिस इज़ कॉल्ड लग्जरी भी गलत बोल रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल स्टोरीज। लग्जरी ना भी हो चलेगा, लाइफस्टाइल हो, लग्जरी है तो बहुत बढ़िया, बट लाइफस्टाइल स्टोरीज भी बहुत तगड़ा काम करती है। लग्जरी जबरदस्ती की करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपलोड लाइफस्टाइल पिक्चर्स एंड वीडियोज़, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। फ्री टीम पार्टी पिक्चर्स एंड वीडियोज़, फ्री टीम पार्टीज़ जो होती हैं, अभी टीम पार्टीज़ की अगर आपको आपकी नहीं है आपकी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से उठा सकते हो, यहाँ पर सोर हाई फैमिली का हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरी कम्युनिटी का, आप वहाँ से उठा सकते हो वो पिक्चर्स और वीडियोज़, और आप वहाँ से उठा उठा के डाल सकते हो, सामने वाले इंसान को क्या पता लग रहा है कि कौन है कहाँ है, राइट। बट वहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी, वहाँ पर सामने वाले इंसान लोग कुछ थोड़े से क्यूरियस हो जाएंगे, यार ये टीम पार्टीज़, फ्री पार्टीज़, फ्री घूमने जा रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हो गया काम आपका, राइट। यूज़ मैग्नेटिक मार्केटिंग टूल्स फोल्डर, मैग्नेटिक मार्केटिंग टूल्स के ऊपर एक पूरा का पूरा फोल्डर डाल दिया जाएगा इसके अंदर, आप देख सकते हो, और उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे पोस्ट, स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपनी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालकर अपनी ब्रांडिंग बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। सो यूज़ दोज मार्केटिंग मैग्नेटिक, लाइक मैग्नेटिक मार्केटिंग टूल्स, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर, सच में बहुत सारी चीज़ें। पोस्ट योर लाइफ एंड बिजनेस अचीवमेंट्स एंड इनकम, इनकम आई है, छोटी इनकम आई है, 200 रुपये की इनकम आई है, 100 रुपये की इनकम आई है, डालो। कोई अचीवमेंट हुई है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है, छोटे से छोटा लेवल अचीव किया है, डालो। सामने वाले को नहीं पता वो लेवल छोटा है या बड़ा है, डालो। अपने ग्रुप के साथ कोई वेबिनार हो रहा है आपका, कोई टीम ट्रेनिंग वेबिनार हो रहा है, डालो। वेबिनार के साथ लिख सकते हो कि अमेजिंग प्लानिंग, बहुत मज़ा होने वाला है, तहलका मचाने वाला है, धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हाइप क्रिएट करो, राइट। अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें डालो। लाइफ में भी अगर कोई अचीवमेंट हुई है,
आपने कुछ किया है, आप थिएटर में हो, आप एक्टिंग में हो, आपने पहले कुछ काम किया है, आपके पास कोई ट्रॉफीज़ है, मेडल्स है, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। शो योर लाइफ स्टाइल, शो योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, सरप्राइज गिफ्ट्स एंड रिकॉग्निशन पोस्टर्स एंड वीडियोस। यहाँ पर आप पता क्या कर सकते हो, आप सामने वाले इंसान को एक और हुक दे सकते हो, एक और मैग्नेटिक अप्रोच दे सकते हो, और एक तरीके से ये क्लोजिंग करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे ही किसी इंसान ने आपके साथ बिलिंग करी या मान लीजिए एक बेसिक टर्नओवर कंप्लीट किया, आपके पास उससे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम आई, 6,000, 7,000, 10,000, वट एवर जो इनकम आती है, उस इनकम का थोड़ा सा पार्ट आपने निकाला, मान लीजिए 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, और वहाँ से आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर करके उसके घर में गिफ्ट पहुँचा दिया, छोटे से छोटा गिफ्ट, कोई वॉच हो गया, कोई सनग्लासेस हो गए, कोई टी शर्ट हो गई, कुछ भी ऐसा, जो कोई बुक हो गई, ठीक है, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक हो गई, कुछ भी ऐसा, कोई ईयरफोन्स हो गए, ऐसा कुछ आप गिफ्ट करो और सामने वाले इंसान को बोलो कि भाई एक गिफ्ट जब तुम्हारे पास रिसीव हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना। सामने वाले इंसान को भी क्यों बोलना है ये कि भाई तू रिकॉर्ड करना और तू रिकॉर्ड करके अपनी स्टोरीज पर डालना, ये एक तरीके की मैग्नेटिक अप्रोच है। तू स्टोरी पर डालेगा, लोग पूछेंगे भाई कहाँ, किसने गिफ्ट दिया, क्या था, क्या चीज़ थी, कहाँ से आया, दिस इज़ मैग्नेटिक अप्रोच, राइट, आप यूज़ कर सकते हो। क्या है गिफ्ट, आप थोड़ी सी शेयरिंग ही तो कर रहे हो, 6,000 अगर आपको कहीं से आ रहा है या 10,000 आपको कहीं से आ रहा है, आप थोड़ा सा 5%, 10% उसकी इनकम निकाल कर आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर, ताकि अगले महीने और लोग उसको देख कर आएँ कि अरे यार गिफ्ट्स भी मिलते हैं, वाओ। आप उनको क्लोजिंग में ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, अगर आप अभी के अभी ये बिलिंग कर देते हो तो आपको ये सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाला है। वो सरप्राइज़ गिफ्ट क्या होगा, कुछ भी, सरप्राइज़ है, कुछ भी हो सकता है, बट सरप्राइज़ गिफ्ट ज़रूर मिलता है इसके अंदर, वो भी मिलेगा, राइट। किसी इंसान ने कुछ अचीवमेंट किया, उसका एक अट्रैक्टिव सा पोस्टर डिज़ाइन करो और वो पोस्टर्स अपलोड करो अपनी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोगों को दिखे कि लोग आपके साथ तेज़ी से ज्वाइन कर रहे हैं, लोग तेज़ी से आपकी टीम का पार्ट बन रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के अंदर आ रहे हैं, ये बहुत तगड़ा काम करता है, राइट। क्रिएट सोशल अप्रूवल, सोशल अप्रूवल कैसे क्रिएट करना, आपको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरीके से सामने वाले के दिमाग में सर्टेनिटी आए कि भाई इस बिजनेस में ज्वाइन करते मेरा बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है, राइट। सो क्रिएट दैट सोशल अप्रूवल। नाउ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस कोर्स, एंड इस कोर्स के एंड में मैं सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि गाइस बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आप उन लोगों में से हो जो अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड मुझे पता है कि इस ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है ना, मुझे इस नॉलेज पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने ये नॉलेज इंप्लीमेंट करके रिजल्ट ला करके फिर आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका अगर आपने, मैं कह रहा हूँ, कम से कम 20% भी कर लिया ना, तो भी आपके बिजनेस में ग्रोथ पक्की है। अगर आपने 20% भी कर लिया, सिर्फ इतने तरीके, इतनी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिलीवर कर दी है, जितनी सारी चीज़ें जिससे मुझे कामयाबी मिली है, मैंने एक एक चीज़ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी है, बिना किसी चीज़ को अलग तरीके से दिखाए, एग्जैक्टली सेम उसी मैनर के अंदर, राइट। सो लास्ट में यहाँ पर 10x प्रोडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है अपनी, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो, आप अपने आसपास ना एक थोड़ा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अब वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, आप अपने रूम में या कोई अपने घर में छोटा सा अलग से एक कोना पकड़ लो, अगर टेबल चेयर लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ के एक छोटा सा जगह ले लो, जो जगह सिर्फ आपके काम के लिए हो, किसी और चीज़ के लिए ना हो, वो जगह ऐसी है जो जहाँ पर आप बैठ के सिर्फ काम करोगे, वो जगह आपके काम के बारे में याद दिलाए आपको, ठीक है। वर्क जो है, आपका काम जो होता है, वो काम आप उसी जगह करने वाले हो, आप कॉल्स करने वाले हो, ट्रेनिंग की वीडियोस देखने वाले हो, जो भी चीज़ आप करने वाले हो वो सारी चीज़ आप वहीं बैठ के करोगे। हाँ, ट्रेनिंग वीडियोस और एक्शन को मिक्स मत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों पैरेलल चलती हैं, बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने ट्रेनिंग लिया पूरा टाइम, आपने पूरा टाइम, अभी जैसे ये कोर्स चल रहा है, तो ये कोर्स क्या है, ये कोर्स ट्रेनिंग है। एक्शन क्या है, कॉल्स करना, लोगों से बात करना, उनकी बिलिंग करवाना, परचेसिंग करवाना, दैट इज़ एक्शन, राइट। आपने फॉलोअप किया कॉल पे, आपने वेबिनार कंडक्ट किया, तो आप एक्शन ले रहे हो। अगर आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, राइट। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं साथ साथ। सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग करते रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक्शन एक्शन लेते रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, दोनों चीज़ें पैरेलल चलानी है आपको। दिन का 4 घंटे अगर आप देने वाले हो तो दिन का 1 घंटा लर्निंग को दो, 3 घंटे एक्शन को दो, या शुरुआत में दिन का 2 घंटे ट्रेनिंग को दो, दिन का 2 घंटे एक्शन को दो। इस तरीके से आपको अपना एक थोड़ा सा दिमाग में लगा कर चलना है, एंड दोनों को पैरेलली चलाना है, कंसिस्टेंटली पैरेलली डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ बार बार करनी है, राइट। क्रिएट अ वर्किंग एनवायरनमेंट, एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने माइंड में एंड अपने रूम में, सॉरी माइंड में बोल रहा हूँ, रूम में, कि इस जगह पर बैठकर मुझे काम करना है, ठीक है, ये काम के लिए ही यूज़ होगा,
वहाँ पर बिल्कुल जीरो डिस्ट्रैक्शन हो एंड यूज़ स्टॉप वॉच स्ट्रैटेजी। स्टॉप वॉच स्ट्रैटेजी का मतलब ये, आपने मोबाइल में स्टॉप वॉच चलाई, अब जब तक ये स्टॉप वॉच चल रही है आप कोई काम नहीं करोगे, पानी पीना, खाना खाना, कहीं और जाना, किसी से बात करना, मम्मी से बात करना, पापा से बात करना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो घर में वो माहौल नहीं बन पाता, माहौल कॉन्शियसली बनाना पड़ेगा। आपके पास कोई बॉस नहीं है, आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको डंडा करता रहे, आप कोई जॉब में तो हो नहीं ना जहाँ पे आपको डंडा किया जाए कंटिन्यूसली, काम करो काम करो काम करो, आपकी खुद की चॉइस है काम करना, तो आपको खुद अपने लिए डंडा रखना पड़ेगा। एंड यू नीड टू यूज़ दिस स्टॉप वॉच स्ट्रैटेजी कि जब तक ये स्टॉप वॉच चल रही है आपको वो एक काम को करना है। आप इन्विटेशन करने बैठे हो, आपके पास लीड्स है, जब तक स्टॉप वॉच चल रहा है तब तक आपको वो एक काम करना है, और उठना नहीं है जब तक वो काम कंप्लीट ना हो, उठना ही नहीं है आपको उस काम से, मतलब जब तक वो काम आप पूरा अच्छे से कंप्लीट ना कर लो। दिस इज कॉल्ड स्टॉप वॉच स्ट्रैटेजी। ट्रेनिंग के ऊपर अगर आपने दिन का एक घंटा देना है, मॉर्निंग में एक घंटा आपको दिन का ट्रेनिंग के ऊपर देना है, तो वो एक घंटा बैठ जाओ जबरदस्ती यूट्यूब पे चलाओ और देखो ट्रेनिंग्स। वो ट्रेनिंग्स के लिए आप बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स को भी सुन सकते हो, सिर्फ मुझे ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको सुन सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो। हर जगह से आपको नॉलेज लेनी है, हर जगह से, एक ऐसी फैक्ट्री बन जाओ दिमाग में नॉलेज की कि हर जगह से आप नॉलेज लेते चले जाओ। जितनी नॉलेज है उतनी कम है आपके लिए, ठीक है, जितनी बुक्स पढ़ सकते हो, जितनी ज़्यादा सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो उतनी बुक्स पढ़ो, आपको नॉलेज मिलेगी। जितनी ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो, आपको वहाँ नॉलेज मिलेगी। मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, फिलिप कोटलर एक बहुत बड़े मार्केटिंग मैनेजमेंट इनकी एक बुक है, वो बुक आप पढ़ सकते हो, बुक नहीं तो उसकी समरी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करना शुरू करो, अपने दिमाग में कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा नॉलेज भरो कि लोगों के साथ जब आप बैठो ना तो अपने आप वो नॉलेज शेयर होनी शुरू हो जाए, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, अपने आप आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से ही वो सारी चीज़ें निकलें, आपको पता भी ना हो कि आप वो बोल रहे हो बट आपके अंदर से वो नॉलेज निकलती चले जाए। क्यों? क्योंकि आपने सुनी ही वही चीज़ें हैं इतने लंबे टाइम तक, राइट? तो इस स्टॉप वॉच स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। बबल वर्क जोन, बबल वर्क जोन मतलब नो डिस्ट्रैक्शन जोन। भले ही मोबाइल पे किसी का व्हाट्सएप आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, कुछ टाइम के लिए साइड रख दो। हाँ, अगर काम से रिलेटेड है तो अटेंड करना है, बट वैसे ही नॉर्मली अगर जो है तो उसको साइड कर दो, ठीक है। इसे बोलते हैं बबल वर्क जोन, कि एक बबल बनाया आपने और उस बबल के अंदर आप दिन का 3 घंटे 4 घंटे रहने वाले हो, भले ही उसके बाद आप कुछ भी करो, बट वो 3-4 घंटे जो है ना वो आपका बबल के अंदर होना चाहिए और वो डेडिकेटेडली काम होना चाहिए। 10 घंटे हल्का फुल्का काम करोगे, घूमते फिरते काम करोगे, नहीं, 4 घंटे डेडिकेटेडली काम कर लो, उसके बाद चाहे मत करो, 4 घंटे काम करो, ठीक है। हाँ, वैसे जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 4 घंटे भी अगर काम करोगे तो आपकी इतनी इनकम 25-30 हज़ार की इनकम हो जाएगी। अगर आप उससे ज़्यादा कर लोगे तो डेफिनेटली फिर तो स्काई इज द लिमिट ना, राइट? तो ये आप कर सकते हो। आइडेंटिफाई AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम, AHT। बेफालतू में हर इंसान के ऊपर टाइम मत लगाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग आपका टाइम वेस्ट करने आएंगे, मैंने बोला ना इनडायरेक्ट अप्रोच में बहुत सारे लोग जिनसे आप रिलेशन बनाने जाओगे, दोस्ती बनाने जाओगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, वो आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं, वो आपका खून चूसने वाले हैं, ठीक है। वो बस ऐसे ही आपके बातचीत करेंगे और करेंगे कुछ नहीं, वो खुद भी वेल हैं, आपको भी वेला समझ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। देखो इनविटेशन में कॉल करते टाइम आपको कितना टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट, कितना टाइम की कॉल होती है आपकी, ठीक है। अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो कितने टाइम की कॉल आप करते हो, 1 घंटे की कॉल कब करते हो, तो 1 घंटे की कॉल करो। उससे ज़्यादा अगर जा रहा है, आपको दिख रहा है कि कुछ फ़ायदा नहीं है, कट करो, सिंपली उसको बोलो कि ब्रो आई एम वेरी बिजी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। सिंपल, डायरेक्टली बोल मत देना कि नहीं नहीं नहीं, बट घुमाओ, निकलो, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है निकलो, टाइम वेस्ट नहीं करना यार, टाइम इतना टाइम थोड़ी है अपने पास, बहुत कुछ करना है लाइफ में, इतनी सी लाइफ है हमारी। आजकल तो ऐसा है कि 50-60 की उम्र तक भी लोग निकल रहे हैं, पहले का टाइम थोड़ी रह गया कि 80-90 साल 100 साल तक जिएंगे लोग, नहीं। तो इतनी सी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी है, अब इतना टाइम थोड़ी है कि फालतू की चीज़ों में लगे रहेंगे, नहीं भाई। अगर काम के हो, अगर आप इस बिजनेस में सच में तैयार हो, देन वी कैन टॉक, अदरवाइज फालतू की बातें करने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, खासकर तब तक जब तक मैं एक सर्टेन एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक, राइट? नाउ लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक अ स्कोर बोर्ड। देखो, आप जितने भी लोगों से बात करोगे, आप दिन के अगर 10-15 लोगों से बात करते हो, 20-25 लोगों से बात करते हो, तो वो आपको उनकी बातें याद नहीं रहेंगी कि वो कौन से कॉलेज से हैं, वो कहाँ से हैं, उन्होंने क्या बोला था, उनकी नीड क्या है, आपको नहीं पता होगा, राइट? तो आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं। इन नोट्स के साथ साथ आप मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई रजिस्टर आपने उठाया, यहाँ से आपने कोई रजिस्टर उठाया, ठीक है। तो उस रजिस्टर में यहाँ पर आपने लिख दिए नेम्स, एक कॉलम आपने बनाया नेम का, उसके आगे आपने कॉलम बना दिया इनविटेशन का, देन आपने कॉलम बना दिया प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन का, देन आपने कॉलम बना दिया फॉलोअप का, देन आपने बनाया क्लोजिंग का, देन आपने कराया माइंडसेट ट्रेनिंग का, देन आपने, अच्छा, बीच में ट्रेनिंग्स के भी आपने कॉलम बना दिए छोटे छोटे, लेवल 1 की ट्रेनिंग, डे 1 की ट्रेनिंग, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे करके आपने कॉलम बना दिए। और जैसे जैसे जो इंसान स्टेप कंप्लीट करता जा रहा है ना, उसके नाम के आगे वो टिक मार्क लगाता रहना,
भाई राहुल का इन्विटेशन डन हो गया, टिक मार्क, प्रेजेंटेशन डन हो गया, टिक मार्क। ये चीज़, ये रजिस्टर आपको घर में जब बैठना ना, जब भी आप वो काम करो, बबल जोन वाला काम करो, जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको अपना रजिस्टर साथ लेकर के बैठना है और आपको साथ के साथ टिक मार्क लगाना है जो जो चीज़ें होती चली जाएंगी, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा इंसान कौन से स्टेप पर है और आगे आपको उसको क्या बोलना है। लास्ट में आप ऑप्शन रख सकते हो रिमार्क्स का। रिमार्क्स मतलब क्या, वहाँ पर आप उस इंसान के बारे में लिखो, उस इंसान से आपकी लास्ट क्या बात हुई आप वो लिखो, उस इंसान ने लास्ट क्या बोला वो लिखो, उस इंसान की नीड क्या है थोड़ी बहुत अगर आपको पता लगी आप वो लिखो, क्या उसका हॉट पॉइंट है, किसको टैप करके आप उस इंसान को अपने साथ बिलिंग करवा सकते हो या ज्वाइनिंग करवा सकते हो, उसको अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट करवा सकते हो, वो लिखो। नोट्स ज़रूर लिखो अपनी नोटबुक पेन को ना, अभी आप चाहो तो स्प्रेडशीट पे भी, गूगल शीट पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो अपने मैक या लैपटॉप या जो भी आपके पास है आप उस पे भी नोट्स बना सकते हो, बट मेरी पर्सनल हैबिट ये है कि मेरी लिखने की आदत है, लिखने से मुझे याद रहता है, तो आप नोटबुक पे बनाओगे, अगर मेरी सजेशन लेते हो नोटबुक पे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। बट मेक अ स्कोर बोर्ड। इस स्कोर बोर्ड बनाने का एक और फ़ायदा है, आपको पता रहेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि इन्विटेशन तक टिक मार्क आ रहा है बट उसके बाद के टिक मार्क नहीं आ रहे, इसका मतलब इन्विटेशन में गड़बड़ है। अगर आपको दिख रहा है लेवल 1 तक टिक मार्क आ रहा है, लेवल 2 में टिक मार्क नहीं आ रहे, या लेवल 3 तक आते आते टिक मार्क लोग नहीं आ रहे, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, आपको समझने की ज़रूरत है कि दिक्कत लेवल 1 से पहले पहले कहीं हो रही है। अब वो कहाँ हो रही है, आप अपनी कॉल रिकॉर्ड करो और वो सुनो, कॉल रिकॉर्ड करने की आदत डालो। कॉल रिकॉर्ड अगर अच्छी होगी तो आपकी टीम की ट्रेनिंग के लिए काम आएगी, थोड़ा बहुत आपके लिए भी काम आएगी कि भाई मैंने कहाँ क्या गलती करी, कहाँ क्या गड़बड़ करी। तो अपनी कॉल रिकॉर्ड करना शुरू करो, अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर ऑन किया करो एंड एक एक कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू करो। नाउ दैट इज ऑल फॉर दिस कोर्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुपरस्टार। अब आप नॉलेज की टर्म्स में पूरे तरीके से बन चुके हो, बट अगेन मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, ये काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद काम नहीं करोगे। तब तक ये सारी अप्रोचेस एवें हैं जब तक आप काम नहीं करोगे। आपको एक्शन लेना है और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन तेज रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स, नोटबुक पेन पे अच्छे से नोट्स बनाने हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी है। सोचना नहीं है, करना है। बोलना नहीं है, करना है। प्रॉमिस नहीं करना है, करना है। वर्क, एक्ट, एक्शन इज सुप्रीम। एक्शन ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को साइड कर देगा, ठीक है। आपको एक्शन रखना है इतना तगड़ा, आपको एक्टिविटी करते रहना है, राइट। प्रोडक्टिविटी भी तभी आएगी जब आप पहले एक्टिविटी करोगे। लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तो स्मार्ट वर्क से भी पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो काम करना शुरू करो। काम मतलब क्या, इनवाइट करना, प्रोस्पेक्ट करना, लीड्स लाना, लोगों से बात करना, रैपो फॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ें यूज़ करो। ऑल द बेस्ट, दिल से मेरे आप सब लोगों को विशेष है कि आप बहुत जल्दी ग्रो करो एंड आज से 6 महीने 1 साल के बाद आप लोग मुझे मैसेज करो, आप लोग मेरे से बात करो, आप लोग मुझे बताओ, मुझसे मिलने आओ कि यार मेरी इतनी इतनी इनकम हो गई सर, थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ तक पहुँच पाया, इस कोर्स से इतनी सारी ग्रोथ हुई, जो भी चीज़ें आपकी होने वाली है वो सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताओ। एंड अपने मेल पे एक्टिव रहना, बहुत सारी नई चीज़ें आपको और भी डिलीवर करने का मेरा मन है अभी, जो मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा साथ के साथ ही। ये एक बार का साथ नहीं है, ये लाइफ टाइम का एक तरीके से हमारा साथ हो चुका है। मेल में एक्टिव रहना, इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, लिव अ बिग लाइफ, मज़े करो, ऐश करो एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट।